भूपेन राजा जी, एक सवाल और है जो समाज में चलता है, वो ये सबसे अहम सवाल है कि कांग्रेस जो है मुसलमानों को बीजेपी का डर बताकर वोट मांगती है और उसके बाद मुसलमान भी भरपूर कांग्रेस का साथ देते हैं, लेकिन इसके बदले में कांग्रेस से मुसलमानों को क्या देती है? बस मुसलमानों का यही काम है कि दरी फट्टे बिछाए, किसी नेता आए तो उसके बाजू में फोटो खिंचा के सोशल मीडिया पर डाल दे, बस यही हद तक के कांग्रेस के मुसलमानों को यूज करेगी। ये एक हाँ मसला ये आता है कि चलो ठीक है कि आप कहते कि केंद्र में जो सरकार है या हमारे राज्य में जो सरकार है, चाहे शिवराज की सरकार हो या मोदी केंद्र में जो है, अगर ये केंद्र की कोई योजना है या राज्य की कोई योजना है, ये तमाम समाज वालों को मिलती है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, तमाम योजना मुसलमानों को भी मिलती है, चाहे वो बीमारी के मसले में 5 लाख की सहायता हो, ये मैंने खुद इस चीज पर रिसर्च किया लोगों से, चाहे मकान की योजना हो, मकान बनने की, जिनके मकान नहीं मकान बना के दिए गए। तो जाहिर सी बात है फिर मोदी और जो राज्य की सरकार है शिवराज सिंह चौहान पर ये तोहमत क्यों लगाई जाती है कि मुसलमानी विरोधी पार्टी है, किस वजह से लगाई जाती है? तो किसने लगाया कि मुस्लिम विरोधी पार्टी? नहीं, ये डर बता के क्यों एक बोल रहे बात हैं हमारे मेरे साथ, ध्यान, हमारे मेहमान मोबिन राजा साहब बैठे हुए हैं जो कांग्रेस के एक जमीनी लेवल के नेता है और हम इनसे कुछ सवालात करने आए हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर हमेशा जो है छाए हुए होते हैं, लोगों के दुख दर्द में काम आते हैं, तो हम इनसे कुछ सवालात करेंगे। सबसे पहले मोमिन राजा जी, हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। तो शुक्रिया। मोमिन राजा जी, जो हमारा सवाल है, सबसे पहले अभी वर्तमान में बुरहानपुर में जो घटना घटी है, एक गद्दावर नेता ने जो एक मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष को कुछ उल्टा सीधा कह दिया और मन से भगा दिया, जाहिर सी बात है कि एक इज्जत का भी मसला होता है। तो इस ताल्लुक से, क्योंकि आप भी मुस्लिम समाज के अध्यक्ष थे अल्पसंख्यक विभाग के, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस मसले में आप क्या कहना चाहते हैं? बुरहानपुर की जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का जो एक स्टेज वाला जो वीडियो है वो देखने में आया था, लेकिन वो किन परिस्थितियों में ये घटना घटी है ये उसके लिए कुछ कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो पार्टी की जो नीतियां हैं और पार्टी की जो कार्यक्रम हो रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि एक पूरा का पूरा प्रोग्राम बनता है कि जो मुख्य अतिथि होते हैं वो आते हैं तो उस हिसाब से प्रोग्राम चाकआउट होता है कि स्टेज में कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा, इसकी एक सूची पूरी तैयार होती है। और वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें ये हो रहा है कि जो वरिष्ठ कार्यकर्ता या पदाधिकारी है वो मंच से नीचे बैठ रहे हैं और जो आम लोग हैं उनको कुछ खास जो वरिष्ठ बुजुर्ग हैं समाज के या कहीं के भी उनको मंच में स्थान दिया जा रहा है। मैंने अभी सिवनी में भी दिग्विजय सिंह जी आए थे तो वो भी अभी सबसे आखिरी में जनता के पीछे बैठे हुए मंच की बजाय उन्होंने और जनता से संवाद किया था। अब हो सकता है वहां ये व्यवस्था हो, लेकिन तब भी मैं कहता हूं कि ये ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। यदि अगर वो मंच में आ भी गए थे तो और कोई तरीका हो सकता था उनसे संवाद करने का, समझाने का, ये घटना ठीक नहीं है, ऐसे संदेश गलत जाता है। अब जो भी परिस्थितियां हो उसके बारे में ज्यादा मुझे जानकारी नहीं। दूसरी बात मोहन राजा जी, ये पूछना है कि कांग्रेस में इतने सालों से आप जुड़े हुए हैं और सोशल वर्किंग भी कर रहे हैं जो देखने में आता है हमेशा, तो हम ये जानना चाहेंगे क्या कांग्रेस पार्टी आपको विधानसभा का टिकट देंगी या आपको नहीं देंगी तो आपसे जो असलम साहब है उनको देंगी, क्योंकि तो आप लोग कई सालों से इससे जुड़े हो और कांग्रेस की खिदमत कर रहे हो, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मुस्लिम को विधानसभा का टिकट देंगी कांग्रेस? सबसे पहली बात तो ये कि ये सवाल क्यों कि मुस्लिम को टिकट, ये सवाल क्यों नहीं कि एक जमीनी कार्यकर्ता को टिकट। ये अक्सर ये देखने में आता है कि समाज से जोड़ के क्यों देखा जाता है कि ये बागरी समाज का है तो उसको टिकट क्यों नहीं, ये कुर्मी समाज का है तो उसको टिकट क्यों नहीं, ये आदिवासी समाज का है तो उसको टिकट नहीं, और मुस्लिम समाज का है तो इसको टिकट क्यों नहीं, एक आम कार्यकर्ता क्यों नहीं टिकट, उसको क्यों नहीं मिल सकती टिकट जो जनता के हित के लिए लगातार काम कर रहा है, या जो भी व्यक्ति हो उसको समाज से क्यों जोड़ा जाता है। मेरी तो ऐसी कोई सोच नहीं है कि मैं मुस्लिम हूं तो मुस्लिम होने के नाते मैं टिकट की मांग करूं। मैं अगर टिकट की मांग करूंगा, दावेदारी करूंगा, तो मैं उस नाते करूंगा कि मैं कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता हूं और जनहित के काम करने के लिए एक प्रयास है, और यदि जनहित का काम करना है उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। तो जब पार्टी के लिए जनहित के लिए काम कर रहा है तो कोई भी एक आम कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है। रही बात मुस्लिम्स की, तो कौन किसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए ये नहीं कह सकता मैं। और पार्टी जिस पर भी विश्वास करे टिकट किसी को भी दे, वहां पर इस बात का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि ये मुस्लिम है और ये फला व्यक्ति है,
एक आम कार्यकर्ता को भी टिकट मिल सकती है, बस बात इस बात की है कि वो जनहित के काम करे और जनता की भलाई के लिए काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और ये आज समाज में भी ये बात को सोचना चाहिए कि हर कोई अपने समाज को लेके वो है, तमाम लोगों को लेके होना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो गाइस आप बने और रहें। जी, और नहीं, इसमें एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ जब्बार साहब, कि हर आम कार्यकर्ता को अधिकार है कि वह पार्टी से टिकट मांगे। और चूंकि मैं एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते, जैसी भी टूटी फूटी मेहनत हो सकती है, जनहित की प्रयास हो सकते हैं, वो करने की कोशिश है। और आप देख रहे होंगे, मैं अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष था, समाज का अध्यक्ष नहीं था। जो आपका भी बीच में आपने एक सवाल किए थे, समाज का अध्यक्ष एक अलग चीज होती है। मुझे कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष बनाया था पार्टी ने, तो मैंने, आपने देखा होगा, जितने भी काम सभी सर्व समाज के लिए काम किए, कभी कोई वर्ग विशेष के लिए काम नहीं किया। आपने जितने भी कार्य देखे होंगे, जितने भी हमारे प्रयास देखे होंगे, जनहित का, चाहे वो टोल वाला विषय हो, चाहे पाइपलाइन वाला विषय हो, चाहे कमर्शियल वाहनों के टैक्स माफी के मामले हो, या जो भी जनहित के काम, बिजली के बिल की समस्या, एक्स वाई जेड जो भी हो, अब इतने सारे मुद्दे हैं वो तो गिना नहीं पाऊंगा, लेकिन जो भी काम किया सर्व समाज के लिए किया ना। कहीं इसमें ऐसा लगता है कि किसी मुस्लिम समाज के लिए किया है या किसी दूसरे वर्ग विशेष के लिए किया है, ये तो सभी के लिए काम है। पार्टी की आइडियोलॉजी भी हमारी ऐसी कि यहाँ पे जात पात और धर्म का कोई मामला नहीं, पार्टी की आइडियोलॉजी सर्व समाज को लेकर चलने की। तो अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष रहते हुए भी जितना हो सका सर्व समाज के लिए काम किया मैंने, और लगातार कोशिश रहेंगी कि सभी सर्व समाज के लिए ही काम किया जाए। मेरी न कभी सोच है, न कभी इस टाइप की, धर्म और जात पात से बहुत ज्यादा मैं नफरत करता हूं, और मैं सभी और सर्व समाज की बात करता हूं हमेशा।